So students, today we are going to start our first paper of second semester, PG Diploma in Guided Counseling and Psychotherapy. Paper name is Foundation of Counseling and paper code is S201. I am starting with unit 2, and the first topic of my unit is Role of Counselor. So, as I know that this is our first class of this paper. So first, let's start with what the counseling is. काउंसलिंग की जो डेफिनेशंस हैं, बहुत तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं, उसको हम लोग देखेंगे इस प्रक्रिया में। सबसे पहले देखिए कि काउंसलर या काउंसलर जो शब्द है, इसको अक्सर आपने सुना होगा और वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज वर्ड, सबसे ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल होता है। आपने बहुत तरह के काउंसलर देखे होंगे जो वास्तव में काउंसलिंग का काम नहीं करते। ये चूंकि जो प्रोफेशनलिज्म है, इसलिए जो साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो किसी भी पेशे में इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन जो होम डेकोर के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अपने को काउंसलर कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी तरह की कोई भी हेल्पिंग प्रोफेशन में है, वेदर दे आर वेल बस विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी आर नॉट, दैट डजंट मैटर। तो अगर कारपेंट्री के वर्क में है तो भी उसके लिए काउंसलर यूज करते हैं। वही आपको सूचना इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा हुआ है, वो भी काउंसलर, एकेडमिक काउंसलर, मेडिकल काउंसलर, लीगल काउंसलर, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो काउंसलर अपॉइंट किए हैं। खासतौर से जो गायनकोलॉजिस्ट हैं, वो जो पेशेंट है उनको मेंटली तैयार करते हैं IVF के लिए, वो भी एक काउंसलिंग की प्रक्रिया है। तैयार नहीं करते, एक तरह से उनको फोर्स करते हैं। यस सर, दे या कंसोल देम कि व्हाट इज हाँ, आईवीएफ एंड सम, क्योंकि मैं वहां पे ये जाऊंगी उसी तो वहां चीज को ही मैं बता रहा काउंसलर्स हूँ। बैठे हुए थे दे आर आल्सो काउंसलर। सर। बट आई डोंट नो कि वहां जब आईवीएफ सेंटर पे मैं गई थी अपनी मम्मा को लेके, हाँ, तो जो दो काउंसलर बैठे थे, तो दे आर आल्सो टेकिंग द फुल रिपोर्ट। तो इट मींस दे आर आल्सो टेकिंग द एमएससी ना, कि हाउ मच चाइल्ड यू हैव एंड ऑल। तो वो एमएससी वहां भी बनती है ना। उनका एमएससी जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से नहीं है, वहाँ एमएससी मेडिकल स्टेटस एग्जामिनेशन से है। अच्छा तो वन वर्ड कैन बी यूज इन डिफरेंट सिनेरियो ना। IR हमारे लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, पॉलिटिकल साइंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा MSc वहाँ है, लेकिन MSc का वहाँ दूसरा मतलब होगा ना। ओके यहाँ पर मेंटल और मेडिकल दो स्टेटस है ना। तो IVF में आपका मेडिकल वो करते हैं ना, मेंटल से हाँ, उनको क्या मेडिकल लेना। मेडिकल सारी चीजें उन्होंने पूछी थी उनसे। वही चीज है ना, तो डिफरेंस है, ये माइनर चीजें डिफर करती। तो मैं आपको बता रहा था कि काउंसलर एक ऐसा शब्द है जिसका मिसयूज आज के जमाने में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इवन मैंने बताया कि जो प्लम्बिंग के काम करने वाले हैं वो भी काउंसलर होते हैं। ठीक है, आजकल ग्रह रत्न के जो विशेषज्ञ हैं वो भी काउंसलर, एस्ट्रो काउंसलर बोलते हैं। कलर काउंसलर्स होते हैं जो कलर के आधार पर आपके काउंसलिंग करते हैं। तो ये
ऐसा कोई नया शब्द नहीं है और बहुत ये आजकल पॉपुलर टर्म है, बट काउंसलिंग एग्जैक्टली या काउंसलर वो नहीं होते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं जिस शब्द के लिए। ठीक है, साइकोलॉजी के साथ ये शुरू से ही रहा है कि इसको ज्यादातर जो है मिसअंडरस्टूड किया गया है, चाहे साइकोलॉजी इटसेल्फ हो, चाहे इसके जो टेक्निकल टर्म्स। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा अपीलिंग होता है, इसलिए अब आप किसी भी जो अच्छे वक्ता को देखेंगे जिसको आप कहते हैं कि इज ए गुड स्पीकर, तो आई एम श्योर ही माइट बी यूजिंग सम वर्ड्स ऑफ काउंसलिंग, बड़े बड़े शब्द, लीडरशिप, मोटिवेशन और मेंटरिंग और ये सब इस तरह के शब्द इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि ताकि जो है लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके और समझा जा सके। तो इसीलिए काउंसलिंग जो शब्द है या काउंसलर जो शब्द है वो इसीलिए यूज किया जाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को, प्रोफेशन को, अपने सर्विसेज को सेल कर सके, बट एग्जैक्टली काउंसलिंग वो है नहीं। तो काउंसलिंग को अगर हम देखें तो इसकी जो शुरुआत है वो गाइडेंस मूवमेंट के साथ होती है, और गाइडेंस मूवमेंट 1990s के आसपास, सॉरी 1900 के आसपास जो था, इनिशियली काउंसलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, गाइडेंस शब्द का। ठीक है, तो खासतौर से जो है अगर उसको देखें तो काउंसलिंग एक प्रकार से प्रिवेंटिव एक्टिविटीज है ज्यादातर, और पर्पसफुल मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ आल्सो हेल्पिंग प्रोफेशन, जिसमें हम लोग हर तरह के एज के, जेंडर के और लोगों को उनके अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पर जो है उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, नो डाउट काउंसलिंग इज हेल्पिंग प्रोफेशन, बट ये हेल्प किस तरह से की जाती है और कैसे होती है ये डिफरेंसेस है। ठीक है, सो एनीबडी हु इज हेल्पिंग यू दैट इज नॉर्मली कंसीडर एज ए काउंसलर, बट दे आर नॉट टेक्निकली काउंसलर। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया गाइडेंस का, तो गाइडेंस जैसे कि बहुत कॉमन शब्द है और आप अपने पूरे जीवन काल में हमेशा कहीं ना कहीं से गाइडेंस प्राप्त करते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस फोकस ऑन हेल्पिंग पीपुल मेक इम्पॉर्टेंट च्वाइसेस दैट अफेक्ट देयर लाइफ, सच एज चूजिंग ए प्रेफर्ड लाइफ स्टाइल। गाइडेंस का जो प्रारंभ है वो आपके फैमिली से होता है, माँ बाप से होता है, पहले आपको इनिशियली पेरेंट्स से गाइडेंस मिलता है, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं आपके फैमिली मेंबर्स हैं, इवन जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको टीचर्स से भी गाइडेंस मिलता है। ठीक है, तो गाइडेंस भी कोई नया शब्द नहीं था, लेकिन गाइडेंस को जैसे कि कहा मैंने कि एक प्रोफेशन के रूप में बाद में इसको डेवलप किया है। ठीक है, एक प्रोफेशनल गाइडेंस या प्रोफेशनल नॉर्मल एवरेज जिसको हम लोग लेमैन गाइडेंस कहते हैं, उसमें डिफरेंस है, क्योंकि जो गाइडेंस में जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, गाइडेंस में हम लोग करते क्या है बेसिकली कि वी आर हेल्पिंग समवन टू टेक द राइट डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजंस जब डिसीसिवनेस की प्रॉब्लम्स होती है वहां पर जो है गाइडेंस की जो है जरूरत होती है। तो गाइडेंस एक प्रकार से आपको देखेंगे तो फैमिली, फ्रेंड और ये सब सारी चीजों से शुरू से ही मिलता आ रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल गाइडेंस है जो स्कूल कॉलेज में एक एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाता है और एक जो है फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा दिया जाता है, उसमें डिफरेंस। ठीक है, वो जो चीज है जो फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा दी जाती है वो एडवाइस होती है, दे आर नॉट हेल्पिंग यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समटाइम दे सॉल्व योर प्रॉब्लम, अदरवाइज जस्ट एडवाइजिंग यू कैसे इसको कर सकते। ठीक है, गाइडेंस काउंसलिंग का जो बेसिक डिफरेंस है वो आप देखिएगा, तो जैसे मैंने बताया कि गाइडेंस में हम लोग डिसीजंस के लिए क्या चॉइसेस के लिए किसी को हेल्प करते हैं, लेकिन काउंसलिंग एग्जैक्टली चॉइस और डिसीजंस का मामला नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जो है गाइडेंस में हम हेल्प करते हैं कि टू चूज व्हाट यू वैल्यू मोस्ट, क्योंकि काउंसलिंग क्या है
काउंसलिंग में आपको ठीक है चेंज करने की कोशिश की जाती है, अल्टरनेटिव नहीं दिया जाता है, बल्कि आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट की बात होती है। ठीक है, काउंसलिंग में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जाता है, बल्कि न तो प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाता है, ठीक है, बल्कि आपको खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब आपके दृष्टिकोण में बदलाव लाया जाता है ताकि आप खुद उस समस्या का समाधान ढूंढें। ठीक है, गाइडेंस और काउंसलिंग में ये बेसिक डिफरेंस है। गाइडेंस अगर देखें तो अगर नेचर ऑफ द प्रॉब्लम में अगर फोकस करते हैं तो गाइडेंस डिसीजन मेकिंग या चॉइस से रिलेटेड जो इश्यूज है उनसे जुड़ा हुआ है, जबकि काउंसलिंग इमोशनल डिस्टरबेंसेस या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो खासतौर से इमोशनल लेवल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसमें व्यक्ति को हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो है आप गाइडेंस पेरेंट्स से, रिलीजियस लीडर से, कोचेस से, सबसे मिलते हैं। इवन जो भी स्पोर्ट्स के कोच होते हैं वो अपने पीपल्स को गाइडेंस देते हैं, धर्म गुरु भी गाइडेंस देते हैं, पेरेंट्स भी गाइडेंस देते हैं, और ये प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है और ये समाप्त होने वाली है। आप जीवन के किसी भी स्टेज पर हों, आपको हमेशा अपने जो है आवश्यकता के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन जो गाइडेंस है वो जो काउंसलिंग प्रोफेशन है उसका एक पार्ट है। तो गाइडेंस से काउंसलिंग आया, देखिए डेवलपमेंट आकर ऑर्डर को समझिए, गाइडेंस से काउंसलिंग आया, तो काउंसलिंग जो टर्म यूज किया गया दैट इज ब्रॉडर देन द गाइडेंस। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि गाइडेंस जो है का जो काम होता था वो जब काउंसलिंग शुरू हुई तो समाप्त हो गया। गाइडेंस में बेसिकली वोकेशनल और एजुकेशनल गाइडेंस की बात होती थी, ठीक है, और वो आज भी होती है। तो काउंसलिंग में वोकेशनल एजुकेशनल काउंसलिंग है, लेकिन गाइडेंस वाला जो पार्ट है उसमें मर्ज हो गया। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का आर्डर है। गाइडेंस के बाद जब काउंसलिंग आती है तो गाइडेंस उसमें जो है मर्ज हो गया, इंक्लूड हो गया, क्योंकि तो काउंसलिंग जो है शब्द की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी कि बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें आप किसी को प्रोफेशनली हेल्प करते हैं, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द गाइडेंस, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द इशूज ऑफ डिसीजन मेकिंग, इशूज ऑफ च्वाइसेज, इशूज ऑफ चांस। तो वहां पर जब आप केवल उसको डिसीजन मेकिंग च्वाइस में जब हेल्प नहीं करके कुछ डिफरेंट तरह के उसमें पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जब उसमें जो है चेंजेज लाने का प्रयास करते हैं, तो वो अप्रोच जो है वो गाइडेंस कवर नहीं करता है, इसलिए ये दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया, काउंसलिंग। ठीक है, तो गाइडेंस और काउंसलिंग, इसके बाद जो तीसरा टर्म आपने देखा होगा, आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो साइकोथेरेपी का है। तो साइकोथेरेपी जो है ये थोड़ा सा इससे भी एक तरह से डिफर करता है, गाइडेंस से तो बहुत डिफर करता है, गाइडेंस से तो साइकोथेरेपी का बहुत लेना देना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग और साइकोथेरेपी को जनरली इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो जो साइकोथेरेपी है या जिसको हम लोग थेरेपी कहते हैं, वो जो सीरियस नेचर के जो प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से जो इंट्रा साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें डिलूजनल हेलनसलेसनेस या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या पर्सनालिटी इश्यूज जो, इनको डील करने के लिए जिस एस्पेक्ट का, जिस कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो साइकोथेरेपी। ठीक है, तो जो साइकोथेरेपी है वो खास तौर से रिकवरी ऑफ एडिक्वेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिकवरी ऑफ एडिक्वेसी मतलब आप जो है उपयुक्त हैं,
और उपयुक्त थे, बीच में बिगड़ गई स्थिति, और फिर आपकी जो एडिक्वेसी है उसको फिर से रीस्टैब्लिश करने की जो कोशिश है, उसी को हम लोग कहते हैं साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी का जो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम है वो डीप है, मतलब डीपली रूटेड प्रॉब्लम है, खासतौर से इमोशनल नेचर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पर्सनालिटी में जो है एक तरह से डिस्टरबेंसेस हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पर्सनालिटी, ये यहाँ पर मेन इशू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काउंसलिंग में जो फोकस किया जाता है उससे थोड़ा सा इसके नेचर ऑफ द प्रॉब्लम डीपली होती है। हालांकि इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत क्लियरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो एडवांसमेंट ऑफ काउंसलिंग का है वो जो है ओवरलैप कर रहा है सब कुछ। ठीक है, तो जो साइकोथेरेपी है उसमें पास्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं प्रेजेंट की तुलना में, ठीक है, इनसाइट पर जो है चेंज की तुलना में ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो चेंज की बात हो रही है काउंसलिंग में। और उसी तरह से जो है थेरेपिस्ट का इसमें डिटैचमेंट है, थेरेपिस्ट यहाँ पर जो है एक एक्सपर्ट के रोल में होता है, ये सब साइकोथेरेपी के उसमें आते हैं। लेकिन काउंसलिंग जो है थोड़ा सा इससे इस टर्म में डिफर करता है कि उसके जो नेचर ऑफ द जो प्रॉब्लम है वो उतनी डीप रूटेड नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में जो आपको देखेंगे, वो काउंसलिंग जो होती है वो खास तौर से जो इनपेशेंट या जो कहते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, सॉरी साइकोथेरेपी जो है, ठीक है, जिसमें रेजिडेंशियल सेटिंग आप उसको कह सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल है या इस तरह की जो चीजें हैं। लेकिन जो काउंसलिंग है वो ज्यादातर जो आउट पेशेंट की जो सेटिंग, आउटडोर सेटिंग्स हैं उसमें होती है, जैसे कम्युनिटीज में हो सकती है। ये माइनर डिफरेंस है, सर, आई लेकिन हैव जो टू से समथिंग, कैन आई से? आई थिंक यू शुड नॉट डिस्टर्ब इन बिटवीन, आई विल गिव यू चांस देन यू कैन आस्क, अदरवाइज ओके ओके, कोई सॉरी कुछ सर, पढ़ेगा नहीं। ठीक है, सॉरी सर। तो अभी जो मॉडर्न जो हमारा जो काउंसलिंग साइकोथेरेपी का कॉन्सेप्ट है इसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है, अब काउंसलिंग भी इस तरह के डिफरेंट सेटिंग्स में दी जा रही है, तो काउंसलिंग हॉस्पिटल सेटिंग में भी है, ठीक है, तो खासतौर से जो थेरेपी होती थी काउंसलिंग की, ज्यादातर जो थ्योरीज हैं वो थेरेपी में यूज होती हैं, थ्योरीज वही हैं, साइकोडायनामिक्स है, बिहेवियरिस्ट जो थ्योरीज हैं वैसी, वो चाहे काउंसलिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं, चाहे थेरेपी के लिए यूज कर रहे हैं, सिमिलर कंडीशन आपके जो है और भी जितनी थेरेपीज है, चाहे ह्यूमनिस्टिक से रिलेटेड हो, चाहे कॉग्निटिव थेरेपीज हो, ठीक है, तो थेरेपीज और काउंसलिंग दोनों में का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो तो एक ही है। ठीक है, तो आप चाहे काउंसलिंग में काम कर रहे हो चाहे थेरेपी के लिए काम कर रहे हो, दोनों में जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो समान है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ओवरलैपिंग है। अब आप कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह सकते हैं कि भाई गाइडेंस डिसीजन लेवल पर है, काउंसलिंग इमोशनल लेवल पे है, और साइकोथेरेपी पर्सनालिटी जो है रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस है। ठीक है, एक स्कूल सेटिंग में है, एक कम्युनिटी सेटिंग में है, एक हॉस्पिटल सेटिंग में है, इस तरह से आप डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इसका जो डिस्टिंक्शन है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो सक रहा है, या इसको कह सकते हैं कि वो समाप्त हो रहा है डिस्टिंक्शन। काउंसलिंग की अगर डेफिनेशंस की बात करें, तो चूंकि मुझे डेफिनेशंस नहीं पढ़ानी है इसलिए मैं बहुत इस पर फोकस नहीं करने जा रहा, लेकिन बहुत से डेफिनेशंस हैं काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग का टर्म को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। आप देखेंगे कि तो गाइडेंस का मूवमेंट 1900 से स्टार्ट हुआ है, 1945 से लेके जो है आपको
1995 2000 तक बहुत सी डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। एक जो डेफिनेशन है जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें जो है 2010 में इस डेफिनेशन को दिया गया, और इसमें 29 काउंसलिंग एसोसिएशन जो मिलकर इस डेफिनेशन को डेवलप किए, जिसमें अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन, उसी तरह से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट काउंसलिंग बोर्ड, काउंसलिंग फॉर एक्रीडिएशन ऑफ काउंसलिंग एंड रिलेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम, नेशनल बोर्ड फॉर सर्टिफाइड काउंसलर, द काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, कमीशन फॉर रिहेबिलिटेशन काउंसलर सर्टिफिकेशन, एंड काई सिग्मा लोटा, ये काउंसलिंग ऑनर सोसाइटी इंटरनेशनल, इस तरह के बहुत से एसोसिएशंस हैं। इन लोगों ने मिलकर एक कॉमन परिभाषा इस काउंसलिंग के देने का प्रयास किया है, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कॉमन डेफिनेशन इस काउंसलिंग की क्या है। तो ये जब है एसोसिएशन एक तरह से 2010 में इस पर काम करना शुरू किया, और इनका ये था कि हर 3 साल के बाद इसमें इंटरेक्ट करके इस पर काम करना है, और उसके बाद जो है ये 2020 बहुत पॉपुलर रहा है, आप सुने होंगे। 2020 मतलब अ विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ काउंसलिंग कंसोर्टियम, इसने जो है एक तरह से, या उस पूरे समूह को आप कह सकते हैं जो 29 प्रोफेशनल एसोसिएशन थे, उन्होंने काउंसलिंग को जिस टर्म में डिफाइन किया है वो ये, काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप दैट इम्पावर डाइवर्स इंडिविजुअल फैमिलीज एंड ग्रुप टू एकॉम्प्लिश मेंटल हेल्थ वेलनेस एजुकेशन एंड करियर ग्रोथ, के एक जो है प्रोफेशनल डेफिनेशन है काउंसलिंग की, काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी परिभाषाएं हैं, अमेरिकन जो काउंसलिंग एसोसिएशन की अलग है, ब्रिटिश काउंसलिंग एसोसिएशन की अलग है, इवन ऑस्ट्रेलियन की भी अलग है, ठीक है। जितने भी एसोसिएशन हैं सबकी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये परिभाषा मोस्टली एक्सेप्टेबल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप दैट एम्पावर्स डाइवर्स इंडिविजुअल फैमिली एंड ग्रुप टू एकॉम्प्लिश मेंटल हेल्थ वेलबींग सॉरी वेलनेस एजुकेशन एंड करियर। ये बहुत कुछ आपको बता रहा है कि हम काउंसलिंग में करते क्या हैं। देखिए डिफिनीशंस का क्या मतलब होता है, मैंने आपको शुरू में बताया कि व्हाई वी ट्राई टू डिफाइन एनी कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी ट्राई टू लिमिट द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब काउंसलिंग कोई भी चीज लिमिटलेस तो हो नहीं सकती, तो जो नेचर और स्कोप की जो आप बात करते हैं वो ज्यादातर डेफिनेशंस में ही होती है। हम लोग जो अभी रोल की बात कर रहे हैं वो भी नहीं डेफिनेशंस में, कि आपका क्या रोल होगा, क्या करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। काउंसलिंग का अगर आप परिभाषाओं को हम लोग एनालाइज करेंगे तो एक तो बहुत क्लियर कट चीज है कि काउंसलिंग में 3 पक्ष हैं, एक तो क्लाइंट जिसको प्रॉब्लम है काउंसलिंग इसको करते हैं, दूसरा जो हेल्प कर रहा है एक्सपर्ट उसको हम लोग काउंसलर कहते हैं, और तीसरा वो कॉज जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, मीन्स प्रोसेस। तो अब इसमें दोनों के अपने अपने जो है रोल्स होते हैं। अब इस डिफिनेशन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया है वो क्या है कि काउंसलिंग डील विथ वेलनेस, पर्सनल ग्रोथ, करियर, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट कंसर्न, मतलब आपके पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस करता है, करियर को भी जो है डील करता है, एजुकेशन को भी, इम्पावरमेंट मतलब इम्पावर होने का मतलब जो है कि आपको जो है आपकी क्षमताओं का आभास कराना, ठीक है, और वेलनेस मतलब मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर काउंसलर देखिए ये तमाम तरह के इंटरपर्सनल इश्यूज हैं जिनको डील करना है,
खास तौर से व्यक्ति को उसके जो कंसर्न है इसमें फाइंडिंग मीनिंग एडजस्टमेंट फुलफिलमेंट इन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अचीवमेंट ऑफ गोल इन डिफरेंट सेटिंग्स जैसे स्कूल वर्क। काउंसलर्स सोशल जस्टिस से भी कंसर्न रखता है। सामाजिक जो न्याय ये जो है इम्पावरमेंट का जो इशू है ये सोशल जस्टिस और एडवोकेट फॉर ऑप्रेस्ड एंड पावरलेसनेस है, ये भी इसका पार्ट है जो उस डेफिनेशन में देखा था। अभी अपने यहाँ इस तरह का सोशल जस्टिस वाला इशू बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो वेस्टर्न सोसाइटीज उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं देखने को। दूसरा महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है इस डेफिनेशन का या जिस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उससे आता है, काउंसलिंग इज कंडक्टेड विद पर्सन इंडिविजुअली इन ग्रुप एंड फैमिली। अब ये बता रहा है कि मतलब काउंसलिंग पर्सनल भी हो सकती है, ग्रुप काउंसलिंग भी हो सकती है और फैमिली काउंसलिंग भी हो सकती है। जो वैरायटी ऑफ जो सेटिंग्स है स्ट्रेटा है सोसाइटी की उन सब में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन के रूप में ये काउंसलिंग हो सकती है इंडिविजुअली इन ग्रुप एंड विद फैमिली, तो तीनों रूप में काउंसलिंग हो रही है। ये जो डेफिनेशंस की मैं भी बात कर रहा हूँ। तीसरा क्या है, काउंसलिंग इज डाइवर्स एंड मल्टी कल्चरल। कल्चरल बैकग्राउंड मतलब जो क्लाइंट का है वो डिफरेंस होता है, इसलिए मल्टी कल्चरल इसको कहते हैं। डाइवर्स डाइवर्स जो है एज के टर्म में जेंडर के टर्म में स्टेजेज ऑफ लाइफ के टर्म में ये डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है। तो काउंसलिंग डाइवर्स और मल्टी कल्चरल इन इश्यूज को भी देखता है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है काउंसलिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस तो है पहले से मैंने बताया, पर इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। काउंसलर का जो काम है वो क्लाइंट के गोल पर फोकस करना नहीं, बल्कि कैसे वो उसको प्राप्त करे इस बात पर भी जो है ध्यान देना है। जो डायनेमिक्स है इसकी इस काउंसलिंग प्रोसेस की वो इसी पर डिपेंड करती है कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि वी हैव नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट, वी हैव टू मेक देम एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम ओन से। तो काउंसलर नॉट ओनली फोकस ऑन द क्लाइंट्स गोल बट दे आल्सो हेल्प क्लाइंट एकॉम्प्लिश थिंग, कैसे उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। अब इस डायनामिक्स में बहुत से थ्योरीज हैं, बहुत से मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें काउंसलिंग में चॉइसेस भी हैं और चेंजेस भी हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि काउंसलिंग गाइडेंस का जो एस्पेक्ट है उसको इंक्लूड करती है। लाइवली और इंगेजिंग प्रोसेस है, वन टू वन टॉक है या इस तरह का जिसमें आप दोनों पक्ष इंगेज होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ज्यादातर जो केसेस हैं उसमें माना ऐसा जाता है कि काउंसलिंग इज ए रिहर्सल फॉर एक्शन आइदर इंटरनली विद अ थॉट एंड फीलिंग आर एक्सटर्नली विद बिहेवियर। जैसे आपको एक तरह से बिहेवियर की थॉट की फीलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है लैब सेटिंग में, समझ लीजिए।
हाउ यू हैव टू परफॉर्म दीज थिंग्स इन नेचुरल सेटिंग। जैसे पायलट का जब सिलेक्शन होता है तो उसको पहली बार विमान देख के भेज नहीं दिया जाता है कि जाओ इसको उड़ा के आओ, बल्कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसके कल पुर्जे के बारे में। उसके बाद फिर सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर पर उसको सिखाया जाता है। उसी तरह से काउंसलिंग में भी हम लोग यही करते हैं कि हम उसको एक्शन के लिए एक तरह का रिहर्सल कराते हैं कि सोचना है आपको किस तरह से, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, फीलिंग को किस प्रकार से एक्सप्रेस करना है, कैसे दूसरों को समझना है, कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, एक तरह से रिहर्सल है। तो ये जो डेफिनेशंस थी उसके एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको रोल के बारे में भी मिलेगा, और उसी से ये सब रोल हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कि पहली चीज कि हमें ये समझना है एज ए काउंसलर कि दो लोग कभी भी एक तरह के नहीं हो सकते, दो लोगों अगर आप एक ही बात कहते हैं तो अगर दो लोग हैं तो उसको दो तरह से समझते हैं, क्योंकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो सोच, हमारी जो समझ है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़े हुए, इसीलिए कहा जाता है कि जो काउंसलर का रोल है यहाँ पर वो क्लाइंट को उसकी सिचुएशन के अनुसार खुद की समझ डेवलप करने के लिए उसको हेल्प करना, न कि अपनी सोच को उसके ऊपर थोपना। पहला जो जो सबसे जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं या कहिए कि यही मेन इंपॉर्टेंट हमारा काउंसलिंग का काउंसलर का जो है रोल है या फंक्शन है कि क्लाइंट को या काउंसलर को जो सिचुएशन के प्रति उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद की समझ डेवलप करना है। ठीक है, वो आपकी तरह नहीं सोच सकता, उसके अपने एक्सपीरियंसेस। हाँ, वो उसको सही नहीं समझ पा रहा है, यही प्रॉब्लम। उसको ठीक से कैसे समझे परिस्थिति को, ये मुख्य काम हमारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक तरह से क्लाइंट से बातचीत करके उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करा के आप उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि वो क्या समझ रहा है और उसको क्या समझना चाहिए। नॉर्मली जो फैमिली फ्रेंड के साथ जो मैंने हम लोग बात किए कि इस तरह की गाइडेंस और काउंसलिंग मिलती रहती है, लेकिन उतना फ्री और ओपन होकर कोई भी चीज अब इश्यूज पर डिस्कस नहीं कर सकता। एक तो इंटीमेसी ब्रेक होने का डर होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी जिसको आप कहते हैं, उसके मिसयूज होने का चांस होता है। कई बार लोग आपकी प्रॉब्लम जानकर आपको ही ताना मारने लगते हैं, तो आप प्रॉब्लम से निकलने की जगह उसमें और फंसते जाते हैं। काउंसलर का काम क्या होता है कि क्लाइंट को वो एक तरह से ऐसा वातावरण देता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो अपनी उसकी फीलिंग्स हैं, खासतौर से जो नेगेटिव हैं, जो डिफिकल्ट हैं, उनको एक कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट में एक्सप्रेस कर सकते। ये मेन रोल होता है काउंसलर का। इसके बाद जो है दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है काउंसलर का काम, क्लाइंट को इनकरेज करना। पहली चीज तो उसको वातावरण प्रदान करना इस तरह, दूसरी चीज उस वातावरण में भी जो उसने पहले डिफिकल्टीज फेस की है जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको मोटिवेट कर,
ताकि वो अपनी फीलिंग्स को जो है बाहर निकाल सके। बहुत से केसेस में आप कुछ नहीं मिलेगा, वो बात अपनी कह लेता है, मामला खत्म हो जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज जो काउंसलर का रोल होता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में जब क्लाइंट आता है उसके पास बहुत तरह की कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप उसको दवा दे देंगे कुछ देर में वो ठीक हो जाएगा, काउंसलिंग बहुत तेज वर्क करती है, इस तरह के बहुत से कंफ्यूजन होते हैं। तो क्लाइंट की कंफ्यूजन दूर करना एक काउंसलिंग की प्रक्रिया का या काउंसलर का महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है, कि वो क्या उससे एक्सपेक्ट करे और क्या एक्सपेक्ट न करे। क्योंकि फॉल्स प्रॉमिसेस और फॉल्स चॉइसेस के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसके कंफ्यूजन दूर करना। तो इस प्रकार से जो हमने भी डिस्कशन किया है इसमें अगर आप देखें तो जो प्राइमरी रोल काउंसलर का है वो तो यही है कि टू असिस्ट क्लाइंट इन रीचिंग देयर ऑप्टिमल लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग थ्रू रिजॉल्विंग नेगेटिव पैटर्न, प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इस तरह से जो है काउंसलर्स क्लाइंट को ये सीखने में मदद करता है कि कैसे वो अपने खुद के निर्णय ले, अपने नए तरीके से व्यवहार करना सीखे, नए तरीके से फील करना सीखे, कैसे जो है न्यू वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करे। यही हमारा रोल होता है। रोल क्या है? यू हैव टू असिस्ट द क्लाइंट इन रीचिंग देयर ऑप्टिमम लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन। अब ये पूरी असिस्टेंस की प्रक्रिया है और इसी असिस्टेंस में हम लोग ये सब सारी चीजें करते हैं, ठीक है। काउंसलर का जो रोल है वो प्रोफेशन वाइज जो है वेरी भी करता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वर्क करने की वजह से रोल में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि उसको ट्रेनिंग जो दी जाती है वो ज्यादातर ब्रॉडर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की दी जाती है, ब्रॉडर थ्योरीज की दी जाती है, एक सिद्धांत कई जगह कई सेटिंग में कई प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक। काउंसलिंग में जो है डायग्नोस्टिक डिसीजन और रेमेडेशन इस पर फोकस बहुत ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा फोकस क्या होता है किस पर? कि उसका ग्रोथ पर, प्रिवेंशन पर, कॉम्पिटेंसीज पर, स्ट्रेंथ पर, कोपिंग रिसोर्सेस पर और निगोशिएशन ऑफ लाइफ ट्रांजिशन, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेसेस। ये वो एस्पेक्ट है जिसमें काउंसलिंग में ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर हम अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि डायग्नोस्टिक डिसीजंस और रीमेडिएशन, ये खास तौर से साइकोथेरेपी का पार्ट है काउंसलिंग का, डायग्नोसिस होती है यहाँ पर लेकिन इम्फेसिस यहाँ पर डायग्नोसिस की ज्यादा नहीं होती, प्रॉब्लम उस नेचर की नहीं है जो आपको समझ में ही नहीं आए, ठीक है। रोल और फंक्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और या फिर जो कहते हैं कि जो आपका रोल है उसी के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन होता है। तो फंक्शन आप काउंसलर, मैंने भले यहां पर लिखा है बट एग्जैक्टली भी हम लोग जो बताने जा रहे हैं वही काउंसलर का एक प्रकार से रोल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिसर्चेज आप देख रहे हैं, सेंटर फॉर क्रेडेंशियल लियरिंग
एंड एजुकेशन, इसने नेशनल बोर्ड फॉर सर्टिफाइड काउंसलर के लिए एक जॉब एनालिसिस परफॉर्म की और उसके आधार पर इसने पाया कि जो काउंसलर के 5 बिहेवियरल डायमेंशंस हैं। पहला क्या है, फंडामेंटल काउंसलिंग इश्यूज, जिसमें ऑब्टेन इनफॉर्म कंसेंट, कंडक्ट इंटरव्यू, लिसन एक्टिवली, हेल्प सेट काउंसलिंग गोल एंड काउंसल क्लाइंट्स कंसर्निंग पर्सनल चेंजेस, इसको कहते हैं फंडामेंटल काउंसलिंग इश्यूज। ये पहला तरह का जो फंक्शन है या रोल है जिसको काउंसलर परफॉर्म। दूसरा क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस, इसमें स्ट्रक्चर काउंसलिंग प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल, कपल, ग्रुप है, थेरेपी। काउंसलिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर करना, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग में से जिसमें मैंने आपको तो आपको नहीं बताया होगा, इसमें जो है अलग अलग स्टेजेस के आधार पर जो है एक तरह से वर्किंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, उसको डेवलप करना, ठीक है, वो मेजर इश्यूज इसमें आते हैं। तीसरा जो फंक्शन है, डायग्नोस्टिक एंड असेसमेंट सर्विसेज, इसमें एडमिनिस्टरिंग असेसमेंट, इंटरप्रेटिंग असेसमेंट टेस्ट, इसमें आप टेस्ट और ये सब एडमिनिस्टर करके उसको उसकी प्रॉब्लम को जानने का प्रयास करते हैं। चौथा जो रोल एंड फंक्शन है वो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस काउंसलिंग टेक्निक, कोई पर्टिकुलर काउंसलिंग टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, जैसे एरॉन बेक का मॉडल यूज कर रहे हैं, एलिस का मॉडल यूज कर रहे हैं, आप एल्डरियन थेरेपी यूज कर रहे हैं, या फिर डायग्नोस्टिक ये साइकोडायनामिक्स यूज कर रहे हैं, बिहेवियरिस्ट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं उसकी बात। और आखिरी इसमें जो है वह प्रोफेशनल डेवलपमेंट सुपरविजन एंड कंसल्टेशन, इसमें पार्टिसिपेट इन केस कॉन्फ्रेंसेस, सुपरविजन सर्वेज, लाइजन विद अदर एजेंसी एंड सेल्फ केयर। ये 5 तरह के जो फंक्शन हैं या 5 तरह के रोल हैं जो काउंसलर नॉर्मली परफॉर्म करता है, ठीक। तो प्रोफेशनल काउंसलिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट सेटिंग्स में होती हैं, आपको ये पता है, कम्युनिटी में, स्टेट एजेंसी या फिर मेंटल हेल्थ क्लिनिक हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, करियर सेंटर हो सकता है, ये डिफरेंट सेटिंग की वजह से। दूसरी चीज, विथ डिफरेंट क्लाइंट्स, इंडिविजुअल ग्रुप एंड फैमिली के साथ हो सकता है, एंड अ नंबर ऑफ काउंसलिंग स्पेशलिटीज हैव ओवर इवॉल्व ओवर द ईयर, इसमें रिहैबिलिटेशन, मेंटल हेल्थ, स्कूल, करियर, स्टूडेंट अफेयर, कॉलेज, मैरिज, कपल एंड फैमिली एंड एडिक्शन काउंसलिंग। इन तीनों का मैंने ये बताया कि पहली चीज तो डिफरेंट सेटिंग्स हैं, दूसरी चीज डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, और तीसरी चीज जो है अलग अलग स्पेशलिटीज। इसकी वजह से, ठीक है, जो काउंसलिंग के जो फंक्शंस हैं वो कॉन्टेक्स्ट और क्लाइंट के नीड के अनुसार वेरी करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो काउंसलर का रोल है वो भी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका रोल भी उसी हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। ये सब जो अलग अलग एरिया अभी हम लोगों ने जब बात किया जिसमें काउंसलर वर्क करता है, पहला है एजुकेशनल, वोकेशनल और स्कूल काउंसलर, ये इंडिविजुअल, ग्रुप, करियर, पर्सनल, सोशल और एजुकेशनल काउंसलिंग इसमें जो है दी जाती है। स्कूल काउंसलिंग के बारे में आप जानते हैं, स्कूल काउंसलर का जो रोल होता है वो स्टूडेंट को असिस्ट करना है किसी भी लेवल पर, एलिमेंट्री से लेके जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, इवन कई बार जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के जो काउंसलर्स होते हैं एजुकेशनल सेटअप में, उसको स्कूल काउंसलर या एजुकेशनल काउंसलर कहते हैं, ठीक है। स्कूल काउंसलर्स का जो मेन रोल होता है वो स्टूडेंट्स को उसकी जो एबिलिटी, इंटरेस्ट, टैलेंट और पर्सनैलिटी के आधार पर उनको विषय का चयन करने में मदद करना, उसको करियर डेवलपमेंट के लिए करियर गोल बनाना, ठीक है, और रियलिस्टिक करियर ऑप्शन चूज करना, ठीक है। इसके लिए वो इंटरव्यू, काउंसलिंग सेशन और तमाम तरह के टेस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक फील्ड, एक सेट हुआ जहाँ पर काउंसलर अलग अलग तरह से डिफरेंट रोल में फंक्शन करता है। दूसरी क्या है, वोकेशनल काउंसलर, ठीक है, वोकेशनल काउंसलर स्कूल सेटअप में भी होता है, लेकिन वो ये केवल बताता है कि
यहाँ पर कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन ये जिसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट काउंसलर या करियर काउंसलर के टर्म में वोकेशनल काउंसलर का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज्यादातर जो है यो स्कूल सॉर्टिंग से बाहर होता है, ठीक है। और इसका मेन फोकस होता है कि इंडिविजुअल्स को करियर डिसीजन में मेक हेल्प करना, ठीक है। तो अलग अलग जो एजुकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, हिस्ट्री है, इंटरेस्ट है, स्किल है, उसकी पर्सनालिटी है जो क्लाइंट्स की, उसको एक्सेस करके, एग्जामिन करके और उसके प्रोफाइलिंग के आधार पर उसको अलग अलग तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल कराना, ये सब सारे काम होते हैं, ठीक है। एक तरह से ये जॉब सर्च में मदद करते हैं, ठीक है। तो कैसे इंटरव्यू हैंडल करना है, कैसे जॉब स्ट्रेस को कम करना है, ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत देखना। रिहेबिलिटेशन काउंसलर ये आजकल ज्यादा पॉपुलर है, और एक खास तौर से इसमें जो काउंसलर्स होते हैं वो पर्सनल सोशल और जो वोकेशनल डिफिकल्टीज होती हैं, जो खास तौर से डिसेबल्ड लोगों की डिसेबिलिटीज की वजह से, उनको ये हेल्प करते हैं, ठीक है। फिजिकल या इमोशनल लेवल की जो डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं, जो डिसेबल्स जो हैं, चाहे वो किसी इलनेस की वजह से, डिजीज की, एक्सीडेंट की वजह से, या फिर कोई डिफेक्ट बाय बर्थ है, तो यहाँ पर ये रिहैबिलिटेशन काउंसलर्स वर्क करते हैं। इनका भी अलग तरह का काम होता है, इनका नेचर अलग है, ठीक है। एक तरह से वो स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के एसेसमेंट के आधार पर इंडिविजुअल को उसकी वोकेशनल काउंसलिंग करते हैं, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, इवन प्लेसमेंट में भी सहायता करते हैं, ठीक है। ये सब सारे काम रिहैबिलिटेशन काउंसलर करते हैं। उसी तरह से मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं। ज्यादातर जो काउंसलर जो शब्द इस्तेमाल होता है वो इसीलिए यूज होता है, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल, फैमिली और ग्रुप किसी के साथ भी ये वर्क कर सकते हैं, और खास तौर से उनके जो मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने में उनके लिए, ठीक है। इसमें जो इनका जो एस्पेक्ट है, अगर आप देखें तो तमाम तरह के जो टेक्निक्स हैं इसका इस्तेमाल ये करते हैं, और जो इश्यूज इसमें मेंटल हेल्थ में है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन, सबस्टेंस अब्यूज, सुसाइडल इंपल्सेस, स्ट्रेस, ट्रॉमा, सेल्फ स्टीम एंड ग्रीफ। देखिए अब्यूज तो यहाँ पर भी जो है मेंटल हेल्थ काउंसलर्स भी डील करते हैं, लेकिन और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में जो होते हैं वो एक अलग तरह के जो है वो उसी के लिए स्पेशलाइज होते हैं, या कह सकते हैं कि सुपर स्पेशलाइज्ड, ठीक है। उनका मेन वही रोल होता है जो मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं, ठीक है। अब ये साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल सोशल वर्क, साइकाइट्रिक नर्सेज और स्कूल काउंसलर्स, ठीक है, ये सब मेंटल हेल्थ काउंसलर्स के अंतर्गत आते हैं सारे, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर भी एक तरह से मेंटल हेल्थ काउंसलर ही है, ठीक है, लेकिन यू हैव टू वर्क इन पैरेलल विद साइकाइट्रिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल। सबस्टेंस अब्यूज और बिहेवियरल डिसऑर्डर काउंसलर्स, मैंने भी बताया था कि ये खास तौर से ये अल्कोहल, ड्रग, गैम्बलिंग और जो डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह से रिलेटेड, उनके लिए जो है स्पेशलिस्ट जो एरिया है, ठीक है। तो इनका जो मेन काम होता है क्राइसिस काउंसलिंग करना, डेली और वीकली काउंसलिंग, ठीक है। और इस तरह के जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनमें इस तरह से इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए रास्ता बनाना, उनको हेल्प करना, ये सब सारी चीजें इसमें की जाती हैं, ठीक है। तो चाहे कम्युनिटी में वर्क कर रहे हों, चाहे अपने क्लिनिक में कर रहे हों, ये सबस्टेंस एब्यूज एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर काउंसलर्स। ये लास्टली जो है मैरिज और फैमिली काउंसलर्स हैं, जो फैमिली सिस्टम जो थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं उसको आधार बनाकर जो है जो प्रॉब्लम्स क्लाइंट की होती हैं वो डील करते हैं। तो यहाँ पर जो खास तौर से परसेप्शन, बिहेवियर और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर मैरिज से रिलेटेड कोई डिफिकल्टी है, फैमिली से रिलेटेड, कपल से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है कैसे
कैसे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, किस प्रकार से कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए, परिवार में कैसे समरसता हो, ये सब सारे वर्क ये काउंसलर्स करते हैं। फंक्शन का एक अप्रोच ये भी है कि है जो जिस भी थ्योरी के साथ, जिस भी प्रिंसिपल के साथ आप काम करते हैं, वो भी अपने आप में एक फंक्शन जो है आपका फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं। साइको एनालिस्ट जिस तरह से जो उसका जो रोल होता है एक काउंसलर का, और जो बिहेवियरिस्ट का जो काउंसलर का रोल होता है, वो दोनों अलग अलग। इसीलिए आपको डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव थेरेपीज पढ़ाई जा रही है। नाम से स्पष्ट है कि डायरेक्टिव में काउंसलर का रोल डायरेक्ट होता है, वो लीडिंग रोल पे होता है। नॉन डायरेक्टिव उसका रोल जो है एक फैसिलिटेटर का होता है। इसी तरह से जो है काउंसलर एज ए स्पेशलिस्ट वर्क कर सकता है, काउंसलर एज ए जनरलिस्ट भी वर्क करता है। ठीक है, स्पेशलिस्ट जैसे भी हमने नाम लिया जो है अलग अलग तरह के जो काउंसलर्स हैं, ठीक है, जैसे कि रिहेबिलिटेशन काउंसलर, ड्रग डी एडिक्शन काउंसलर, लेकिन जनरलिस्ट के रूप में भी काउंसलर वर्क करता है जब वो खासतौर से स्कूल सेटिंग में होता है। ठीक है, तो स्कूल सेटिंग में वो सारे काम करता है, इवन अटेंडेंस भी देखता है, खाली अगर टीचर्स का पीरियड है तो एज ए फिलर में भी यूज होता है वो, और स्टूडेंट्स को क्लास में कॉलेज में लाने के लिए भी वो उसको काउंसलिंग करता है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करता है। ठीक है, तो टीचर्स को भी समझाता है कि मैनेजमेंट के प्रति उसका दृष्टिकोण सही बना रहे, बहुत सा वर्क करता है। ठीक है, तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काउंसलर का रोल अलग अलग हो सकता है। तो अगर आइए पर्सपेक्टिव की बात है, कैसे आप उसको देखते हैं उसके रोल। ठीक है, लेकिन इन जनरल हमारा काउंसलर का एक रोल है कि क्लाइंट को उसकी समस्या के समाधान में की मदद करना। ठीक है, अपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के द्वारा, थ्योरीज के इस्तेमाल के द्वारा उसकी प्रॉब्लम का समाधान। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड इन टूडेज क्लास। नाउ वट एवर यू हैव अ क्वेरी यू कैन आस्क। अब आपके पास जो प्रश्न है सर पूछ लीजिए। हाँ कोई क्वेरी तो नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आया आपने जो भी बताया। एक रिक्वेस्ट थी कि सर आप जो भी पीपीटी हमें शो करते हैं क्या उस पे आप पेज नंबर डाल सकते हैं क्या पीपीटी पे? पेज नंबर डाल देंगे, पेज नंबर से क्या होगा। सर एक्चुअली क्या होता है, जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो वो ऊपर नीचे हो जाता है हमारे पढ़ने में, तो वो हमारे लिए बहुत ही चलो अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं, नहीं होगा तो वो मैटर ही जो जहाँ से बनाते हैं पीपीटी भेज देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, और कोई और इशू। हमारे मार्क्स का अगर कुछ, मतलब अगर फिर भी नहीं आ पाए मेल वेल का भी कुछ भी, तो आप मेरे एक नहीं, बार अभी वो। इसका डिस्कशन नहीं करो, दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके क्लास का ओके है तो अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो आप पूछ लीजिए। ओके सर। अभी एक बीच में कौन जो है प्रश्न पूछना चाह रहे थे, कहाँ चली गई। चलिए, आई थिंक मुझे उसका लग नेटवर्क इशू है, वो नहीं है। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि फिर नो क्लास अब बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अब कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट थैंक सी। यू सर।